वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, क्या आप सभी लोगों ने सोचा है कि आप जिन टॉय से बचपन में खेलते थे, असल के अंदर वो सारे टॉय जिंदा हुआ करते हैं? हमारे इधर उधर जाने पे उन सारे टॉयज में लाइफ आ जाती है, उनकी अलग ही दुनिया है और वो सभी अपनी दुनिया में बहुत खुश है। उन टॉयज के पास में ये फीलिंग्स है कि अगर हम लोगों के पास में कुछ नए टॉयज आ गए तो हम उन्हें कहीं रिप्लेस ना कर दे। तो बिना प्रतीक्षा कराए मैं आज आप सभी को यही स्टोरी बताने वाली हूँ। गाइस, टॉय स्टोरी की फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी है जो कि 1995 में आई थी। इसी के साथ गाइस, हम इस मूवी के अंदर बहुत पुराने कैरेक्टर्स को भी देखने वाले हैं। यानी कि अगर आप सभी लोगों को याद हो, द बज लाइटियर एक शो आया करता था जिसका मेन कैरेक्टर बज बेस स्टोरी में है। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक एंडी नाम के बच्चे को जिसके पास में कई सारे टॉयज थे और वो अपने टॉयज के साथ में बहुत खुश था, जिसमें से सबसे फेवरेट टॉय एंडी का वुडी था। एंडी का पूरा दिन अपने सारे टॉयज से खेलने में चला जाता था। एक दिन जब एंडी की मॉम उसे नीचे बुलाती है, हम देखते हैं कि सारे टॉयज बिल्कुल जिंदा होके इधर उधर घूम रहे थे, सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इन लोगों के बीच एक बात होती है कि आज एंडी की बर्थडे पार्टी है। हालांकि एंडी का बर्थडे अगले वीक है, लेकिन ये लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, इसी कारण यहाँ के दोस्तों को पार्टी देनी पड़ेगी। यहाँ पे सभी टॉयज एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें बात की जाती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को डर है कि कोई नया टॉय आ ना जाए, और ये सबसे बड़ा डर वुडी को था कि कहीं कोई नया टॉय आके वुडी को रिप्लेस ना कर दे। देखते ही देखते यहाँ पे बच्चे आना शुरू कर देते हैं और अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं। सभी टॉयज डर जाते हैं, इसी कारण एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग एक टॉय की आर्मी को नीचे भेजेंगे और वॉकी टॉकी की मदद से सब कुछ सुन लेंगे। यहाँ पे बच्चे आना शुरू होते हैं जिसके बाद में सारी टॉय आर्मी नीचे पहुँच जाती है और वॉकी टॉकी को एक पॉट में रख देती है। यहाँ से ऊपर बैठे सारे टॉयज एंडी के रूम से बातें सुन रहे थे, लेकिन सारे गिफ्ट्स खुलने के बावजूद भी उसमें कोई भी टॉय नहीं निकलता है। तो सारे टॉयज बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। आर्मी वापस लौटने ही वाली थी कि तभी एंडी की मॉम एक गिफ्ट लेके आती है, लेकिन इसी टाइम पे वुडी के पास जो वॉकी टॉकी होता है वो टूट जाता है। यहाँ पे आर्मी भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जल्दबाजी के अंदर इन लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता है और इतनी ही देर में एंडी और उसके सारे दोस्त कमरे में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे एंडी अपने बेड से वुडी को हटा के एक दूसरा टॉय रख देता है। वुडी उसे देखने के लिए आता है कि आखिर वो कौन है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि वो टॉय और कोई नहीं बल्कि बज लाइटियर था। बज लाइटियर की प्रोग्रामिंग में ये सेट था कि उसे दुनिया को बचाना है और वो एक स्पेस के मिशन पे आया है, जहाँ वुडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम बस एक टॉय ही तो हो। बाकी सारे टॉयज बस को देख के बहुत खुश थे कि उसके पास कितनी सारी टेक्नोलॉजी है। बस बताता है कि मैं तो उड़ना भी जानता हूँ और इसी के साथ में वो उड़ के भी दिखाता है। हालांकि बस के पास उड़ने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो अच्छी तरीके से गिरता है। ये सारी बातें वुडी को पता थी, लेकिन फिर भी कोई भी वुडी की बात नहीं मानता है। यहाँ धीरे धीरे समय आगे निकलता है और हमें पता चलता है कि एंडी वुडी से ज्यादा बस को प्यार करता है और हर टाइम वो बस के साथ में ही खेला करता है। इन बातों से वुडी को बहुत तकलीफ होती है और वो सोचता है कि अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस को लगता है कि वो सभी को बचा लेगा, इसी के साथ वो सारे टॉयज की ट्रेनिंग भी करने लगता है। जहाँ पे एक दिन इन्हें गार्डन के अंदर सिड दिखाई देता है। ये एक ऐसा बच्चा है जो कि टॉयज के साथ बहुत रूड बिहेव करता है, उन्हें आधा आधा तोड़ के फेंक देता है, जिससे बस बोलता है कि ऐसा तो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हम लोगों को उसे सबक भी सिखानी चाहिए। यहाँ एक दिन एंडी की मॉम आके एंडी को बोलती है कि हम लोग पिज्जा प्लेनेट में जा रहे हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। जहाँ एंडी कहता है कि मैं एक टॉय को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। वुडी को लगता है कि वो जरूर बस को लेके जाएगा, तो क्यों ना मैं उसे गिरा दूँ, तो अगर एंडी को वो मिलेगा ही नहीं तो एंडी सिर्फ मुझे लेके जाएगा। इसी कारण वुडी एक प्लान बनाता है, लेकिन प्लान थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है जब एक स्पोर्ट कार आगे की तरफ बढ़ती है तो वो एक ग्लोब से टकराती है और सीधा आके बस को दबाने ही वाली थी कि तभी ग्लोब एक लैंप से टकराता है और बस सीधा खिड़की से नीचे गिर जाता है। सारे टॉयज को कार बता देती है कि ये वुडी की प्लानिंग थी, उसी ने ही बस को नीचे गिराया है, जिसके बाद सारे टॉयज बस को वापस ऊपर लाने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ में वुडी से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। यहीं पे एंडी वुडी को अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि बस ग्रास में से निकल के एंडी की कार की तरफ आगे बढ़ता है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो सीधा वुडी के ऊपर कूदता है और कहता है कि वैसे तो हमारे प्लेनेट पे बदला लेने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन तुमने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। वुडी यहाँ पे बहुत खुश था बस को बिल्कुल ठीक देख के और वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में एंडी की कार आगे निकल जाती है, जिससे वुडी बहुत जोर जोर से रोता है कि मैं एक ऐसा खिलौना हूँ जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैं अब अकेला रह गया हूँ, तो अब आखिर हम लोग क्या करेंगे। जहाँ पे बस को अभी भी लगता है कि वो अपने प्लेनेट से कॉन्टेक्ट करके कोई ना कोई हेल्प मंगवा लेगा, वुडी बस को समझाने की कोशिश करता है कि तुम बस एक टॉय हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तभी यहाँ पे वुडी को एक दूसरी कार दिखाई देती है जो कि पिज्जा प्लेनेट की थी और वो सोचता है कि शायद एंडी की कार तक वुडी पहुंच जाएगा, लेकिन बस को लिए बिना तो वो कैसे
नहीं जा सकता था, नहीं तो सारे टॉयज वुडी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसी कारण वुडी बस को बोलता है कि देखो मुझे एक स्पेसशिप मिला है जो कि तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। ये बात सुन के बस भी अब कार में बैठ चुका था और अब वुडी और बस दोनों पहुंच चुकी थी पिज्जा प्लैनेट, जहां अंदर जाने के बाद वुडी एंडी को ढूंढता है और यहीं पे बस को लगता है कि ये तो पूरा का पूरा एक स्पेस शटल है। यहां पे ये पिज्जा प्लैनेट एक प्लैनेट को देख के डिजाइन किया गया था। वहां रखे गेम को देख के बस को लगता है कि जरूर वहीं से ये अपने स्पेस में जा सकता है, इसी कारण वो उस गेम में कूद जाता है। वुडी यहां पे एंडी को देख चुका था लेकिन वो बस को लिए बिना कैसे जा सकता था, इसी कारण उसे भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। तभी हमें पता चलता है कि यहां तो सिड भी गेम खेल रहा था और वो भी उसी गेम के अंदर था जहां पे वुडी और बस दोनों एक साथ थे। वुडी यहां पे बस को बहुत छुपाने की कोशिश करता है लेकिन सिड बस को देख चुका था और सिड को अब वो चाहिए ही था। वुडी यहां बस को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां बाकी के टॉयज मिलके वुडी को ऊपर की तरफ कर देते हैं और सिड अब इन दोनों टॉयज को अपने साथ ही ले जाता है, जहां पे सिड का डॉग भी था जो कि बहुत डेंजर था। सिड अपनी बहन के टॉयज को अपने साथ ले जाता है और वो पूरी डॉल को अलग अलग तोड़ के बिल्कुल डरावना सा बना देता है। वुडी और बस को समझ में आ चुका था कि वो दोनों बहुत डेंजर में है और सिड उनके साथ जरूर कुछ न कुछ करने वाला है। रात होने पे सारे के सारे टॉयज निकल के बाहर आते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस लग रहे थे, सारे आधे टूटे फूटे बुरी हालत में थे। यहाँ एंडी के घर पे बाकी टॉयज को पता चलता है कि अब तो वुडी भी गायब हो चुका है। अगले दिन सिड वुडी के साथ खेलना शुरू करता है, जहाँ से सन की लाइट से वो वुडी को ऑलमोस्ट जलाने ही वाला था कि तभी सिड की मॉम उसे बुला लेती है, नहीं तो बेचारा वुडी तो आज जल ही जाता। यहाँ वुडी स्टेयर से नीचे भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ उसे सिड का डॉग मिल जाता है। बस सोचता है कि वो उसे बचा लेगा लेकिन असल के अंदर एक गलती हो जाती है, वुडी का वॉइस रिकॉर्ड ऑन हो जाता है जिससे उस डॉग की नींद खुल जाती है और अब वुडी और बस दोनों अलग अलग कमरों में छुपते हैं, जहाँ बस टीवी पे एक शो देखता है। बस को लगता है कि शायद ये उसके स्पेस का मिशन होगा लेकिन उसके बाद में बस को पता चलता है कि ये तो एक एड है, असल के अंदर बस एक टॉय है। अब तक वुडी उसे जो भी समझा रहा था वो बिल्कुल सच बात थी। अब जब बस को लगता है कि वो एक टॉय है फिर भी उसने होप नहीं छोड़ी थी, वो सोचता है कि विंडो के ऊपर से कूद के वो बाहर निकल जाएगा लेकिन जैसे ही वो ऊपर उड़ता है सीधा नीचे गिरता हुआ आता है जिसके कारण उसका एक हाथ भी टूट जाता है। तभी यहाँ पे सिड की बहन आ जाती है जो कि बस को अपने साथ ले जाती है और उसके साथ खेलने लगती है, जहाँ पे वुडी पहुँचता है और बस को अपने साथ लेके जाता है कि चलो हमें बाहर निकलना है, लेकिन बस तो बहुत सैड होता है, उसे लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक टॉय है। यहाँ वुडी को प्लान आता है कि वो सिड की विंडो से एंडी की विंडो तक पहुँच सकता है। तभी वो सारे टॉयज को हाथ हिलाता है, सभी टॉयज वुडी को देख के खुश तो थे लेकिन वुडी की हरकत उन्हें अभी भी याद थी कि वुडी ने बस को नीचे गिरा दिया था, इसी कारण सारे टॉयज बस के होने का प्रूफ मांगते हैं। यहाँ पे वुडी जब बस को बुलाता है तो बस तो आता ही नहीं है, इसी कारण वुडी बस का हाथ सभी को दिखाता है लेकिन बाय चांस सबको आधा टूटा हुआ हाथ दिख जाता है, जिसके बाद में सारे टॉयज उस लाइट को फेंक देते हैं और वुडी अपने घर तक नहीं जा पाता है। यहाँ वुडी को लगता है कि आज तो सिड के सारे टॉयज हमको खा जाएंगे लेकिन असल के अंदर सारे टॉयज ने बस का हाथ ठीक कर दिया था। ये बात देख के वुडी खुश हो जाता है और बोलता है कि आप लोग प्लीज हमारी हेल्प करिए यहाँ से बाहर निकलने में, लेकिन इतने ही देर में यहाँ सिड आ जाता है जो कि बस को एक रॉकेट से बांध देता है। वो उसे लॉन्च करने ही वाला था कि तभी बारिश आ चुकी थी, इसी कारण वो अगली सुबह का अलार्म लगा देता है। यहाँ वुडी बस को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि तुम्हें सब लोग प्यार करते हैं और अब तो तुम्हें एंडी सबसे ज्यादा प्यार करता है, एंडी पहले मुझसे प्यार किया करता था, हमारी जिंदगी बस यही है कि जो हमें हमारे पास रखता है वो हमें प्यार करे, तुम सबकी मदद करते हो। लेकिन फिर भी बस को अभी भी बुरा ही लग रहा था कि वो सिर्फ एक टॉय है, लेकिन वुडी के समझाने पे अब बस वुडी की मदद करने लगता है और उस टूल बॉक्स को नीचे गिराने वाला था। नीचे गिरने के कारण सिड की आंखें खुल जाती है और वो सीधा बस को उठा के रॉकेट लॉन्च करने ही वाला था। इतनी देर में वुडी सारी प्लानिंग कर लेता है टॉयज के साथ में कि उन्हें क्या करना है। वो दो टॉयज को भेजता है ताकि वो बाहर निकल के डोरबेल बचा सके और इनके डॉग का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जैसे ही दो टॉयज डोरबेल बचाते हैं कि तभी वहां सिड का डॉग बाहर की तरफ भागता है, बाकी सारे टॉयज पीछे की तरफ से डॉग के बाहर निकलने के रास्ते से बैकयार्ड में पहुंच जाते हैं। सिड यहां पे वुडी को उठा के बारबेक्यू ओवन के ऊपर फेंक देता है और उसे जलाने ही वाला था और तभी यहां पे वुडी बोलने लग जाता है। वुडी की आवाज सुन के सिड डर जाता है। वुडी बोलता है कि तुम एक बहुत बुरे लड़के हो जो अपने टॉयज को बिल्कुल प्यार नहीं करता और उन्हें आधा आधा तोड़ देता है, सोचो अगर ये तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें कैसा लगे। जिसके बाद सारे टॉयज निकल आते हैं जो कि आधे टूटे फूटे थे। सिड अपने ही टॉयज से डरने लग जाता है और डर के मारे अंदर की तरफ भागता है, जहाँ पे सारे टॉयज मिलके बस को छुड़वाने ही वाले थे। जहाँ पे वुडी और बस को पता चलता है कि एंडी की कार जा चुकी है, ये दोनों उसका पीछा भी करते हैं। बस तो ट्रक तक पहुँच चुका था लेकिन वुडी जैसे ही पहुँचने वाला था कि तभी सिड का डॉग आ जाता है और वुडी को बचाने के लिए बस सीधा उस डॉग के ऊपर कूद जाता है, इस कारण बस पीछे रह जाता है। तभी वुडी अपने ट्रक के अंदर चढ़ता है और ट्रक को खोल के कार को निकालना चाहता था लेकिन वहाँ पे
सारे टॉयज को लगता है कि जैसे वुडी ने बस को मारा वैसे ही इस कार को भी फेंक देगा। हालांकि वुडी तो यहाँ पे बस को बचाने की कोशिश कर रहा था। सारे टॉयज मिलकर वुडी को भी नीचे फेंक देते हैं। अब वुडी के हाथ में रिमोट कंट्रोल था और इसी के साथ कार और बस भी थे। ये सभी लोग आगे पहुँचने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे ट्रक में बैठे टॉयज को पता चल चुका था कि ये लोग आगे की तरफ आ रहे हैं। इसी कारण वो एक डॉगी को हेल्प के लिए भी भेजते हैं, लेकिन ये भी अनसक्सेसफुल बात थी। तभी वुडी को याद आता है कि उनके पास में तो रॉकेट लगा है, वो जरूर उसकी मदद ले सकते हैं, लेकिन माचिस की तीली जलाने पे तो वो भी बुझ जाती है। और यहाँ पे वुडी का एकदम से हाथ जलने लग जाता है, क्योंकि बस के हेलमेट से सीधी सन की लाइट उस पे पड़ रही थी। अब वुडी फिर से ट्राई करता है कि वो बस के रॉकेट को जला दे, और आखिरकार इनका रॉकेट जल जाता है, जहाँ पे वुडी अपने हाथ में कार को पकड़ लेता है और बस यहाँ सीधा वुडी को पकड़ता है। वुडी कार को तो ट्रक में डाल देता है, लेकिन ये दोनों काफी ऊंचा उड़ने लग जाते हैं, जहाँ वुडी को पता था कि रॉकेट फटते हैं और ये दोनों मर जाएंगे। लेकिन काफी ऊपर जाने के बाद बस उस रॉकेट को छोड़ देता है और अपने विंग्स ओपन कर लेता है। ये दोनों काफी अच्छी तरीके से नीचे गिरते हैं और सीधा जाके एंडी के कार के बॉक्स में पहुंच जाते हैं। एंडी अपने दोनों टॉयज वुडी और बस को देख के बहुत खुश था, जिसके बाद फाइनली ये लोग अब अपना घर भी शिफ्ट कर चुके थे और दिन था क्रिसमस का, जहाँ इन्हें फिर से न्यू गिफ्ट्स मिलने वाले थे। और इस बार भी सारे टॉयज बैठ के यही सोच रहे थे कि कौन सा नया टॉय आने वाला है जो कि एंडी को पसंद आ जाएगा। सभी को लगता है कि वुडी इस बार भी जेलस है कि कोई नया टॉय ना आ जाए, लेकिन असल में नया टॉय तो मिसेस पोटैटो आती है, जिसके कारण मिस्टर पोटैटो बहुत खुश थे। और आखिर में जो गिफ्ट मिलता है एंडी को वो एक डॉग था, यानी कि डॉग ने तो पहले ही सारे टॉयज को बहुत परेशान कर रखा था। जिसके बाद में ये टॉय स्टोरी का फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज, आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से इसी फ्रेंचाइजी की सेकंड मूवी में, तब तक के लिए टाटा।